हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टू टेबल विद नीतू। आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मोदक केवल दूध से। जी हाँ, लेकिन बंगाली स्टाइल। जी हाँ, हम दूध से बनाएंगे संदेश। हमें सिर्फ दूध चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया है। आप कोई भी दूध लीजिए, उसे बॉइल करना है। और यहाँ पे 2 लीटर है, तो मैं 2 टेबलस्पून विनेगर ले रही हूँ और 2 टेबलस्पून पानी। बिल्कुल सिंपल रेशियो है। अगर 1 लीटर है तो 1 टेबलस्पून दूध और 1 टेबलस्पून पानी, और थोड़ा थोड़ा जब दूध बॉयल हो जाए तो डालिए और कुछ चलाते रहिए। और जब आपका पूरा ऐसा क्लियर लिक्विड आ जाता है, तब आप ठंडा पानी डाल दीजिए। और ठंडा पानी क्यों डालते हैं? क्योंकि इससे जो छेना कड़ा नहीं होता है। बस इसको एक दो बार अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि विनेगर का स्मेल जाना चाहिए। फिर कोई सूती कपड़ा या जाली या मलमल के। ये देखिए स्मूथ हो गया है। अब हम मिलाएंगे इसमें चीनी का पाउडर। यहाँ पे 2 लीटर दूध है, तो मैं 4 टेबलस्पून चीनी का पाउडर तो चाहिए ही होगा। अच्छा, थोड़ा इसके बाद आप टेस्ट कर सकते हैं। संदेश जो होता है वो जनरली थोड़ा हल्का मीठा होता है, बट आप घर में बना रहे तो पूरा कंट्रोल आपके पास है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मीठा कम लगा था, तो मैंने 1 टेबलस्पून और ऐड किया था। तो मतलब टोटल मैंने 5 टेबलस्पून शुगर पाउडर लिया है। तो परफेक्ट स्वीटनेस था। उसके बाद अब हमको इसको पकाना है। ये कच्चा है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं डालना है। बस एक कढ़ाई लीजिए, एकदम जितना आपका लो फ्लेम है आपको इसको कुक करना है। बस 4 से 5 मिनट। देखिए अभी थोड़ा ये लिक्विड हो रहा है, आप देख रहे हैं कंसिस्टेंसी चेंज हुई है। बस जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम 2 फ्लेवर बना रहे हैं। केसर का दिखा दिया मैंने। 2 चम्मच दूध में ये 2 चम्मच कोकोआ पाउडर मिलाया है चॉकलेट के लिए। बस अच्छे से मिक्स करना है, कुछ नहीं। यहाँ पे चॉकलेट का भी मैं स्पून बाय स्पून ले रही हूँ, जितना जरूरत है उतना। बस अच्छे से मिक्स करना है। और ये इतना अच्छा संदेश बना है कि मतलब कोलकाता का भी संदेश पेल है इसके सामने, मुंह में ही घुल जाएगा। क्योंकि एकदम प्योर है, हम लोग यहाँ कुछ भी मिक्स नहीं कर रहे हैं। बस हमारा डो रेडी हो गया है। मैं यहाँ कोई मोल्ड नहीं यूज करूंगी, तो बस हाथ से ही बनाऊंगी। बहुत सुंदर बनता है। तो आपको जो साइज लेना है, छोटा बड़ा जैसा करना है आप करिए। और एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा राउंड करके थोड़ा सा एजेस बनाना है। ये देखिए अपने आप होता है, कुछ नहीं करना होता। या तो आप कांटा चम्मच से इसको शेप दीजिए या टूथपिक से। मुझे टूथपिक ज्यादा पसंद है, बट मैं आपको दोनों दिखाऊंगी। ये देखिए बस ऐसे ही, ये देखिए। और ये जो संदेश का डो है इतना सॉफ्ट है, और आपको ये जरूर पसंद आएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपीज को देखने के लिए हमारे पिन कमेंट में दिए गए प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करें। धन्यवाद।